पालक को दो तीन बार अच्छे से वॉश करके उसे उसमें सॉल्ट डाल के हमने बॉइल करने के लिए रख दिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पालक बॉइल हो चुका है, तो गाइस अब हम इसमें हरी मिर्च, प्याज और लहसुन डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब हम पनीर के पीस कर लेते हैं। हमारे पनीर के पीस कट हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा घी डाल के धीरे से फ्राई कर लेते हैं। हमने इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। हम इसे पकने देंगे। इसमें डालते हैं पनीर के क्यूब। इसमें डालेंगे एक चम्मच टोमेटो प्योर। पनीर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तैयार करते हैं इसमें क्रीम डाल के।